गुड मॉर्निंग यूके जी। बेटा देखिए, आज बिल्कुल एक नई चीज ग्रामर में आप लोग को मैं बताऊंगी ना, लेकिन बहुत इजी है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ग्रामर की बुक ओपन करिए आप लोग बेटा, पेज नंबर 23। पता है ना, सिक्स मंथली एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करिए। पेज नंबर 23 आप ओपन करिए, मैं बताती हूँ क्या है इसमें। आपको सीखना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस, इसके पहले नाउन की चर्चा हुई है, एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगी कि नाउन क्या होते हैं और फिर बताऊंगी प्रोनाउन क्या होता है। देखो बेटा, ग्रामर में किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नाम जो है रवि है, ठीक, तो रवि क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी भी बच्चे का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, किसी का भी नाम नाउन होगा, ठीक है ना। मान लो भविष्य, मान लो कि मैंने तुम्हारा नाम लिया भविष्य, और कोई पूछे कि ग्रामर में भविष्य नाम क्या है, तो ग्रामर में भविष्य नाम जो है वो नाउन है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जो भी बच्चे लोग हो, आपके आपका नाम नाउन होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है ना कि इन विच सिटी डू यू लिव, तो आप बोलते हो कि आई लिव इन वाराणसी सिटी, बताते हो ना, आई लिव इन वाराणसी सिटी। तो वाराणसी क्या है, वाराणसी उस सिटी का नाम है जहां आप रहते हो, नाम है ना, इसलिए वाराणसी भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ग्रामर में ये वाराणसी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। तो हमने कहा किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, नाम जो है नाउन होता है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। अब है कि प्रोनाउन क्या होता है, इसको समझो। तो जैसा कि आपके बुक में यहां पर मेंशन है, वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, नाउन के बदले जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब कैसे ये मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप लोग को इतने से समझ में नहीं आएगा कि नाउन के बदले जो वर्ड यूज हो वो प्रोनाउन होता है। देखिए समझिएगा, यहां आइए आप इस सेंटेंस पर आइए, मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर। ये मिस्टर शर्मा है, ये बने हैं ना मिस्टर शर्मा, देखो डॉक्टर की तरह सब ड्रेस पहनी हुई इन्होंने, ये एक डॉक्टर, इनका नाम क्या है बेटा, मिस्टर शर्मा। अभी मैंने क्या बताया, ग्रामर में किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा जो है, ये मिस्टर शर्मा किसी का नाम है ना, यानी ये नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। तो मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर, मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर है। अब फिर मुझे इन्हीं के बारे में बात करनी है, कहना है कि मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, मिस्टर शर्मा हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है भाई, डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल में काम करते हैं। देखो अब एक बार मैंने बोला मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर हैं, फिर दूसरी बार बोला मिस्टर शर्मा हॉस्पिटल में काम करते हैं, फिर कुछ और इनके बारे में बताना होगा, फिर मिस्टर शर्मा सुबह 9 बजे हॉस्पिटल आ जाते हैं, मिस्टर शर्मा मरीजों को बहुत प्रेम से देखते हैं। तो बार बार मिस्टर शर्मा नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम केवल एक बार मिस्टर शर्मा बोलेंगे कि मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर, मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर हैं। फिर जब इन्हीं के बारे में मुझे बात करनी होगी तो हम दोबारा ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर शर्मा हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, बल्कि हम यह कहेंगे कि वह हॉस्पिटल में काम करते हैं। फिर से सुनिएगा, मिस्टर शर्मा एक
डॉक्टर हैं, ठीक ना। मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर हैं, वह एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। हमने क्या कहा? वह किसके बदले में कहा? मिस्टर शर्मा के बदले वह कहा। और मिस्टर शर्मा क्या है? नाउन है। तो मिस्टर शर्मा के बदले यहाँ पे क्या यूज हुआ बेटा? ही मीन्स वह, ठीक है ना। तो नाउन की जगह जो शब्द आया, जो वर्ड आया, ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये वर्ड प्रनाउन हो जाएगा। नाउन के बदले, किस नाउन के बदले ही आया है? मिस्टर शर्मा के बदले ही आया है। तो मिस्टर शर्मा नाउन है और इसके बदले में आया हुआ जो वर्ड है ही, ये क्या हो जाएगा? प्रनाउन हो जाएगा, ठीक बेटा। और एक एग्जांपल देखिए, मिसेस आनंद इज अ टीचर। मिसेस आनंद एक टीचर है, ठीक है। मिसेस आनंद एक टीचर है। शी टीचेस इन अ स्कूल। वह एक स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है। वह एक स्कूल में पढ़ाती हैं। अब देखो, दोनों बातें मिसेज आनंद के बारे में ही कही गई हैं। मिसेज आनंद एक टीचर हैं, वह एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो मिसेज आनंद तो नाउन हो गया, किसी का नाम है। और मिसेज आनंद की जगह कौन सा वर्ड आया? शी आया। तो मिसेज आनंद नाउन हो गया, किसी का नाम है, और शी प्रनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि शी मिसेज आनंद की जगह यूज हुआ है, यानी शी नाउन की जगह यूज हुआ है। तो नाउन की जगह आने वाला वर्ड क्या होता है? प्रनाउन होता है, ठीक है बेटा। ये समझ में आया? नाउन की जगह आने वाला वर्ड प्रनाउन होगा। कुछ लिस्ट है प्रनाउन की, देखो ये सब प्रनाउन, इसको रट डालो। देखो, आई, यू, शी, माई, योर, हर, मी, यू, हर, वी, ही, इट, आवर, हिज, इट्स, अस, हिम, इट। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना चाहिए था। आई, माई, मी। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, शी, हर, हर, वह। शी आता है गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, लड़की के लिए आएगा। वह, उसका, उसका। वी, आवर, अस। वी मीन्स हम लोग, आवर हमारा, अस हमें। ही, हिज, हिम। ही यानी वह लड़का, लड़के के लिए आएगी, लड़की के लिए नहीं। हिज यानी उसका, हिम मतलब भी उसका। इट, इट्स, इट, इट यह, इट्स इसका, इट यह, दे, देयर, देम। ये सब प्रनाउन की लिस्ट दी गई है आपको, ठीक है बेटा। जो किसी ने किसी नाउन के बदले आएगा, तो एक आइडिया आपको लग जाएगी बार बार रीडिंग करने से कि ये सब प्रनाउन है। अब आगे आइए आप, और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए। राजू लव्स काइट्स, ठीक है। राजू, ये राजू हैं आपके, ठीक है ना। राजू लव्स काइट्स यानी राजू को पतंग पसंद है, या राजू पतंग पसंद करता है। रानी लव्स देम, रानी पतंग पसंद करती है। टू माने भी, रानी भी पतंग पसंद करती है। लेकिन दूसरी बार काइट्स नहीं आया बेटा। राजू लव्स काइट्स, रानी लव्स देम टू। ये देम किसके लिए आया? अब हिंदी में सुनो, राजू पतंग पसंद करता है, रानी भी टू मीन्स भी, रानी भी उन्हें पसंद करती। उन्हें, किन्हें? काइट्स को। तो दोबारा यहां काइट्स ना लिखकर क्या लिखा गया? देम। ये देम किसके लिए आया है?
काइट्स के लिए आया है, ठीक है। अब देखो, आई हैव अ काइट, मेरे पास एक काइट है। अच्छा मान लो तुम्हारा नाम गोलू है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक पतंग है, तुम कहना चाहते हो कि मेरे पास एक पतंग है। इसको तुम दो तरीके से कह सकते हो। तुम्हारा नाम गोलू है ना, तो तुम अपने लिए ही बोलोगे गोलू के पास एक पतंग है। क्या तुम ऐसे बोलोगे? हैं? तुम कहोगे, तुम ये नहीं कहोगे गोलू के पास एक पतंग है, तुम कहोगे मेरे पास एक पतंग है। तो मेरे शब्द किसके लिए आया? गोलू के बदले आया ना, तो वो प्रोनाउन हो गया। देखो आई हैव अ काइट, आई आया है किसी के नाम के बदले, मेरे पास एक काइट है। आई हैव अ काइट मतलब मेरे पास एक काइट है। इट इज ग्रीन, यह हरे रंग की है। इट यह किसके लिए आया है? काइट के लिए आया है। क्या चीज हरे रंग की है? काइट हरे रंग की है, ठीक। तो ये भी प्रोनाउन हो गया, नाउन के बदले जो आए वो प्रोनाउन हो गया। आगे देखिए, लालू इज अ गार्डनर, लालू एक गार्डनर है, माली है, जो गार्डन की देखभाल करे वो गार्डनर होता है। ही लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, ये प्लांट्स की देखभाल करते हैं, यानी वह प्लांट्स की देखभाल करते हैं। अब सुनो, लालू इज अ गार्डनर, लालू एक गार्डनर है, तो लालू इनके लिए आया, इनका नाम है लालू, तो लालू जब किसी का नाम है तो लालू क्या हो गया? नाउन हो गया। और अब दोबारा हमें कहना है कि लालू पौधों की देखभाल करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लालू पौधों की देखभाल करते हैं, हम कहेंगे वह पौधों की देखभाल करती हैं। तो वह मतलब ही, किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी लड़के के लिए वह आएगा तो ही कहेंगे उसको। तो ही लुक्स आफ्टर द प्लांट, ही किसके बदले आया? लालू के बदले। लालू क्या है? नाउन है। तो नाउन के बदले में आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है बेटा। लिस्ट वहां दी ही गई है, अब हम लोग आगे ये एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैंने कहा ना आपका नाम गोलू है, आपको अपने बारे में बात करनी, तो क्या आप कहेंगे गोलू एक स्टूडेंट है? नहीं, आप कहेंगे मैं एक स्टूडेंट हूं। तो आई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि गोलू की जगह ये आया है, आपके नाम की जगह आया है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां आप इसको फिल कर दोगे, ठीक, यहां प्रोनाउन फिल करना है। आई गो टू माय स्कूल एवरी डे, मैं रोज अपने स्कूल जाता हूं। मान लो तुम्हारा नाम गोलू, तो ऐसे कहोगे क्या कि गोलू रोज गोलू के स्कूल जाता है? ऐसे बोलोगे? नहीं ना। कैसे बोलोगे? कहोगे कि मैं रोज अपने स्कूल जाता हूं। तुम ये नहीं कहोगे कि गोलू गोलू के स्कूल रोज जाता है, नहीं, मैं अपने स्कूल रोज जाता हूं। तो मैं, आई मीन्स मैं, आई प्रोनाउन है, आई मीन्स मैं, ये तो यहां पे हो गया। अब अपने स्कूल, गोलू के स्कूल नहीं, अपने स्कूल, तो अपने के लिए आया है माई, तो यहां पर हो जाएगा माई, ठीक। यू आर वेरी लेजी, अब मान लो तुम मेरे सामने खड़े हो, ठीक, मैंने कह दिया तुम्हारा नाम गोलू है, तो है तुम्हारा नाम गोलू है, ठीक है। तुम मेरे सामने खड़े हो, मुझे कहना है कि तुम बहुत लेजी हो, मतलब आलसी हो, ठीक। तो हम ये थोड़ी कहेंगे गोलू बड़े आलसी हो, नहीं, तुम बड़े आलसी हो। जो तुम मेरे सामने खड़े हो, तो मैं कहूंगी तुम बहुत आलसी हो, ठीक है। तो तुम किसके बदले आया? तुम्हारे नाम के बदले आया, गोलू के बदले आया, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लिस्ट भी याद करो, इससे भी देखो धीरे धीरे बेटा समझ में आता है। पहली बार पढ़ रहे हो उसको तुम लोग, धीरे धीरे बड़े हो गए, बार बार पढ़ोगे चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आई, माई, यू, ही, शी, इट, ये सब तुम्हारे माइंड में होना चाहिए बेटा कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब आगे देखिए, रामू हैज अ न्यू टेबल, मीनिंग भी समझिए, राम हैज अ न्यू टेबल,
राम के पास एक नया टेबल है, इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना है। अभी यह शब्द किसके लिए आया बताओ तो, टेबल के लिए। अब इसको यदि हम यह ना कहते तो क्या कहते, जरा देखो। राम हैज अ न्यू टेबल, राम के पास एक नई टेबल है, इट इज मेड ऑफ वुड, यह सॉरी फिर मैंने यह बोल दिया, टेबल इट आया किसके लिए, टेबल के लिए, टेबल लकड़ी की बनी है। यहां पर हमने कहा राम के पास एक न्यू टेबल है, फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि टेबल लकड़ी की बनी है, मैं ये कहूंगी कि यह लकड़ी का बना है। क्या टेबल, टेबल नाउन है, किसी चीज का नाम है, और टेबल के बदले क्या आया इट, तो इट क्या हो गया प्रनाउन, इट मीन्स यह, टेबल के लिए हम लोग कह रहे हैं यह। देखिए हमने स्मॉल लेटर यहां लिख दिया, कोई बात नहीं, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिखे ठीक है, इसे भरसक एक ही तरह का लिखेगा, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल। मुझसे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इज शी योर मिस्टर, सॉरी इज शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है, इज शी, शी मीन्स वह, क्या वह तुम्हारी बहन है। देखिए वह आया है किसी गर्ल के लिए, योर आया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, तुम्हारा जो तुम गोलू हो ना, ये योर गोलू के लिए आया है, और ये शी उसकी बहन का जो भी नाम है उसके लिए आया है, ठीक है। तो शी और योर ये दोनों नाउन के बदले आए हैं, इसलिए प्रनाउन है शी योर, ठीक है। इसको मैं दोबारा करेक्ट कैसे राइट कर दे रही हूँ, इट को ऐसा टी आप लिखिएगा। अब आगे देखिए बेटा, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे भयभीत हो। अब मान लो तुम्हारा नाम गोलू है और मेरा नाम मोलू है, ठीक, यू आया है गोलू के लिए, मी आया है मोलू के लिए, तो ऐसे बोलोगे क्या, क्या गोलू मोलू से डरा हुआ है। हम आमने सामने खड़े हैं, कहीं दूर होते तो ऐसे बोल सकते थे, लेकिन हम आमने सामने खड़े हैं, तुम गोलू मैं मोलू, ठीक है, तो हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि क्या गोलू मोलू से डरा हुआ है, नहीं, हम कहेंगे क्या तुम मुझसे डरे हुए हो। जब हम दोनों आमने सामने हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, क्या तुम, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे हम, कहेंगे तुम, और अपने लिए बोलेंगे मी, क्या तुम मुझसे डरे हुए हो। तो यू आया गोलू के लिए, मी आया मोलू के लिए, ठीक है ना। तो ये यू, ये हो गया प्रनाउन, गोलू के बदले आया है, और मी भी प्रनाउन क्योंकि ये मोलू के बदले, ठीक है बेटा। ये आपका होमवर्क भी है, डू इन योर बुक, ओके, थैंक यू बेटा।